हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विथ मीठू। तो आज हम बनाएंगे केएफसी स्टाइल में चिकन पॉपकॉर्न। आप इसे घर में आसानी से और बहुत ही कम खर्चे में बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसके साथ हम बहुत ही सिंपल और इजी एक डिप तैयार करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन। मैंने इसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ऑरिगेनो, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, एक छोटा चम्मच व्हाइट विनेगर और आधा छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर हम इसके साथ मिलाएंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप रूम टेम्परेचर का दूध लिया है। इसे हम ऐड कर देंगे और फिर से हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे कवर करके आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। और आधे घंटे बाद इसमें हम मिलाएंगे एक अंडा और इसे अच्छे से मिला लीजिए। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पे मैं एक प्लेट में ले रही हूँ 1 कप मैदा और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। और इसके साथ मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और ऑरिगेनो। और मैं ले रही हूँ थोड़ा सा यानी कि 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसमें बेकिंग सोडा ज़रूर डालिएगा, इससे चिकन काफ़ी क्रिस्पी बनती है। और सब कुछ एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर हम एक एक करके चिकन पीसेस को इसमें रखते जाएंगे और मैदे के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। इसे हम 2 बार कोट करेंगे। तो इस तरह से एक बार कोट करके प्लेट में रखते जाएंगे। तो सारे चिकन को इस तरह से पहले एक बार मैदे से कोट करके प्लेट में रख लीजिएगा। और अगर आप चाहे तो इस चिकन को कोई कंटेनर में भर के फ्रीज़र में 2-3 दिन तक रख सकते हैं। और जब आपको फ्राई करना है इसे निकाल के दोबारा कोटिंग करके फ्राई कर सकते हैं। इसे फ्रीज़र में रखिएगा, फ्रिज में नहीं। और किस तरह से कोट करना है वो मैं आगे दिखाती हूँ। और ये जो नीचे मसाला था तो इसे फेंकना नहीं है। इसी के साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 कप एकदम ठंडा पानी। इसमें ठंडा पानी डालिएगा, इससे चिकन काफ़ी क्रिस्पी बनती है। तो पहले चिकन को इस पानी में डीप करके फिर से मैदे से कोट कर लीजिएगा। और चिकन को बहुत देर तक पानी में छोड़ना नहीं है। चिकन को बस पानी में डीप करें और उसी टाइम में निकाल के मैदे से कोट कर लीजिएगा। और इस बार चिकन को हल्का हल्का प्रेस करते हुए कोट करें और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे इस तरह से निकाल दीजिएगा। और इसी तरह से हम सारे चिकन को दोबारा कोट कर लेंगे। तो मैंने सारे चिकन को डबल कोटिंग कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल को पहले बहुत अच्छे से गरम कर लीजिए और फिर हम इसमें एक एक करके चिकन पीसेस को डाल देंगे। और चिकन को डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। और कुछ देर तक इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तब आप इसे उलट पलट करके चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लीजिएगा। और इसे फ्राई होने में आपको 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। और इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते रहिए ताकि ये चारों तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। तो अभी देखिए फ्राई हो चुके, तो इसे निकाल लेते हैं। और ऐसे ही हम बाकी चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। तो आप इसी तरह से ज़रूर एक बार ट्राई करें, ये सबको बहुत पसंद आएगा। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न। और इसके साथ मैं एक डिप भी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच मेयोनीज। तो इसके साथ मैं मिला रही हूँ 1 छोटा चम्मच टोमेटो केचप, थोड़ा सा चिली सॉस, सेजवान सॉस और डाल रही हूँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल और इजी डिप तैयार है जो एक क्रिस्पी चिकन के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।